हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक थ्री डी एस में। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सबने जो इतना प्यार दिया उसके लिए आप सबका एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3D लाइब्रेरी की। अक्सर हमें काफ़ी मेरे को मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि 3D लाइब्रेरी सर चाहिए हमें, ठीक है। सो उसमें बेडरूम्स, आपका एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे काम किया जाए। सो मेरी वेबसाइट है क्विक 3DS के नाम से, quick3ds.com। इसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप इसमें जाएंगे, सो यहाँ पे आपको 3D लाइब्रेरी के नाम से ब्लू कलर में दिखेगा। सो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न बेडरूम है। इसमें अगर आप शो पे जाएंगे सो आपको एक लिंक खुलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से आपको बेडरूम्स जो है ये सब कुछ आपको जो दिख रहा है ये 3D में बना है, ठीक है। मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ एक सैम्पल के तौर पे, ठीक है। सो ये सारी फाइलें आपको मैक्स में मिलेंगी विद वीरे एंड टेक्सचर वगैरह सब कुछ इसमें रहेगा। सो ये वाली वो फाइल है जो आपने अभी देखी है, ठीक है। ये मैक्स में ओपन है, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ बना है। बेड है, ठीक है, लाइट लैम्प। और इसको अगर आप रेंडर करेंगे सो आपका जो आउटपुट है वो सेम इस तरीके का आएगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं लाइटिंग भी हो रखी है, कैमरा भी लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें, ठीक है, इसमें वीरे सेटिंग वगैरह सब कुछ लगी हुई है। मतलब ये एक तरीके से रेडीमेड फाइल है जो कि आप इसको अपनी किसी भी, जैसे आपको बेड चाहिए तो आप बेड ले सकते हैं, कोई भी इसमें से आप चीज़ें, इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह जो भी करना है आपने, ठीक है। सो यहाँ से लाइट वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। सो रेडीमेड फाइल है, आप इसको यूज़ ईजिली कर सकते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, 2-3 साल हो गए और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। सो ये आप यूज़ कर सकते। सो इसमें है तकरीबन आप देख सकते 100, ठीक है, 100 इसके बेडरूम के कलेक्शन है, मॉडर्न बेडरूम। और ऑलमोस्ट सारे इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया। इसका फोल्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फोल्डर में आपको ये देखिए, ठीक है, ये फोल्डर है। इसमें अगर हम 01 वाली देखते हैं, इस तरीके से आपको ये मैक्स फाइल मिलेगी और इसमें ये टेक्सचर्स वगैरह जो भी हैं ये सारे इसमें इस तरीके से आपको शो होंगे, ठीक है। और ये मैंने कुछ, ये मेरी लाइब्रेरी जो मैंने है, ठीक है, इसको ये एक्सट्रैक्ट कर रखा हुआ है, ये इसकी आर्काइव फाइल है। सो इसी तरीके से आपको ये मैंने मॉडर्न बेडरूम का बताया, इसी तरीके से चिल्ड्रन रूम, इसमें आप क्लिक करेंगे सो इसमें भी आपको दिखेंगे, ठीक है। शो में अगर आप जाएंगे अलग अलग है, मॉडर्न किचन है, सोफ़ा है, बाथरूम, बेडरूम कलेक्शन, कंप्यूटर डेस्क, डोर्स, होटल, टी हाउस, कैफ़े, लिविंग रूम, ठीक है, मैनेजर रूम, मॉडर्न डाइनिंग टेबल है, ऑफिस रिसेप्शन, टीवी यूनिट, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लासिकल बेडरूम है, इसमें शो में जाएंगे आप, सो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा क्लासिकल बेडरूम शो। सो क्लासिकल बेडरूम में हम गए, सो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लासिकल बेडरूम, ये देखिए आप, ये पूरे जो आर्चिस वगैरह जो आप देख सकते हैं ये सब आपको रेडीमेड बने हुए हैं। बेड आप देख सकते हैं। सो इसका भी मैं आपको 3D एक सैम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये मैक्स में है और लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ इसमें किया हुआ है। और ये फाइल थोड़ी हैवी है एक्चुअली, बिकॉज ये सारा इसमें क्लासिकल मॉडल है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से स्टैंडर्ड। और ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बैलुस्टर वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जाते हैं, ये देखिए, ये बेडरूम है, यहाँ से आप लाइट हाइड कर सकते हैं, कैमरा हाइड कर सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा ये, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका ये इसमें भी क्लासिकल में भी 44 कलेक्शन है, ठीक है। सो इसके अलावा आपका एक्सटीरियर 3D मॉडल है, इसकी काफ़ी डिमांड है आजकल, ठीक है, काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है।
इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। इसमें आपको रेजिडेंस भी कुछ है इसमें, ठीक है, ये है आपके रेजिडेंस वगैरह भी है, और एक्स कमर्शियल बिल्डिंग्स है, ठीक है, और विला भी है इसमें, क्लासिकल है, मॉडर्न में भी है। तो इस तरीके की बिल्डिंग्स है। इसका भी मैं आपको एक एक्सटीरियर मॉडल मेरा ओपन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा है आई थिंक, हाँ ये वाली फाइल है, ठीक है, इसका रेंडर आप देख सकते हैं। इसमें जितना भी आपको दिख रहा है, ये कार्स वगैरह, ठीक है, ये हैजेस आप देख सक रहे हैं, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर भी आपको फर्नीचर दिखेगा। इसका मैं मैक्स फाइल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, जो कार आपको दिख रही थी वो मैं आपको मैक्स में दिखाता हूँ। ये देखिए, वीरे प्रॉक्सी कर रखा है इसको हल्का करने के लिए। कैसे बनाते हैं वीरे प्रॉक्सी, ये भी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, अगर आपको सीखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसको मैं शो होल मैश कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से डिस्प्ले बॉक्स हटा देंगे, ये देखिए। इस तरीके से ये मर्सिडीज है। जो भी गाड़ी आपको देखनी है, यहाँ से आप इसको शो मैश करिए और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, डिस्प्ले एज बॉक्स हटा देंगे, ये आपको दिख जाएगी, ये देखिए, ठीक है, BMW। आप यहाँ से बहुत कुछ उठा सकते हैं, ठीक है, अगर आप ये लाइब्रेरी परचेज करते हैं। ये देखिए, ह्यूमन बीइंग भी है इसमें, ये जो आपको डब्बे दिख रहे हैं ये प्रॉक्सी है, वीरे प्रॉक्सी, बिकॉज फाइल बहुत हैवी हो जाती है अगर आप इस सबको शो होल मैश करेंगे। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे थे, ठीक है, ये हमारे हैजेस हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हैजेस को शो वीरे प्रॉक्सी कर रखा है, इसको भी हम शो मैश करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और ये हमारी बिल्डिंग है, ये थोड़ा हैवी हो गया, इसको मैं फिर से प्रीव्यू फाइल एडजस्ट कर देता हूँ और बॉक्स बाउंडिंग बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा हल्का हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ये देखिए, आप क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अंदर, और अंदर अगर हम देखते हैं इसके, ठीक है, ग्लास के अंदर भी इन्होंने काफ़ी डिटेलिंग में फर्नीचर वगैरह, ये देखिए, इस फर्नीचर को भी हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, डिस्प्ले बॉक्स हटा देते हैं, ये देखिए फर्नीचर, एंड ये आई थिंक लैम्प है, हाँ लैम्प है, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने अंदर भी ये काफ़ी लगाए हुए हैं, ठीक है। इसमें लाइटिंग भी हमारी, कैमरे भी लगे हैं, लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइटिंग भी लगा रखी है, और ये देखिए क्या स्ट्रक्चर बना रखा है ये। ये हमारी देखिए बिल्डिंग भी है साइड में इन्होंने, इसमें आई थिंक टेक्सचरिंग इन्होंने कर रखे हैं, सिंपल सिंपल टेक्सचर डाला हुआ है, ठीक है। मेन जो हमारी बिल्डिंग है वो ये वाली है इसमें, ये देखिए, ठीक है। ये एक इस तरीके से है, ऐसे और भी बहुत सारी आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, हाउसिंग वगैरह बहुत कुछ है आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सारा जो भी लाइब्रेरी है 3D की, ये सब मैक्स में है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, इसमें लाइटिंग वगैरह, कैमरा सब कुछ है, ट्री वगैरह, ठीक है। अगर आपको ये लाइब्रेरी पसंद आ रही है, ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप का एक आपको दिख रहा है लोगो, इस पर आपने क्लिक करना है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहाँ से आप मेरे से व्हाट्सएप चैट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए उसका नाम आप देख सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन रूम आपको चाहिए तो चिल्ड्रन रूम आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे चिल्ड्रन रूम लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी आपको लाइब्रेरी पसंद आ रही है, यहाँ से आप शो में जाके उसको देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।